प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एमडीएस विद्यापीठ से आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 की क्लास में सामाजिक विज्ञान अध्याय 7 भारतीय मिट्टी। हमारी भारतीय मिट्टी कैसी है आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी क्या है? मिट्टी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह पृथ्वी के ऊपरी सतह है। मिट्टी पृथ्वी के ऊपरी सतह से पेड़ पौधे उगते हैं। इसमें क्या होते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो मिट्टी पर जीवन संभव बनाता है। हम भोजन के लिए मिट्टी पर निर्भर हैं। सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु कुकुरमुत्ता आदि मिट्टी में पाए जाते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी में पोषक तत्व तथा जल सोख लेती है। मौसम के कारण चट्टानों में आकार प्रकार में परिवर्तन से मिट्टी का निर्माण हुआ। चट्टानों को तोड़ने वाली यह मंद क्रिया लंबे समय तक जारी रहती है। तापमान जलवायु पेड़ पौधे तथा जानवर आदि क्रिया में सहायक कुछ प्राकृतिक कारक है। यह कई वर्षों तक जारी रहने वाली अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। मिट्टी से सड़े गले पौधे जानवर खनिज जल तथा वायु प्रचुर मात्रा में होने के कारण यह उपजाऊ होती है। मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है आइए देखते हैं। हमारे देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कुछ मिट्टी गहरे तो कुछ मिट्टी छिछली, कुछ बारीक तो कुछ रेतीली, कुछ पीली मिट्टी कुछ काली मिट्टी। मिट्टियों का रंग भी भिन्न भिन्न होता है। भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। नदियां बहाकर द्वारा बहाकर लाई गई महीन रेतीली मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई रेतीली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। भारत के ऊपरी तथा तटीय मैदान में पाए जाने वाली यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। सरसों दाल जूट कपास तंबाकू गन्ना मक्का गेहूं धान आदि फसलों के लिए यह मिट्टी उचित होती है। रंग में काली तथा भूमि से निकले लावा इकट्ठे होने पर बनने वाली मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। यह मिट्टी भी उपजाऊ है और कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। कर्नाटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र तथा गुजरात आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। अब देखते हैं लाल मिट्टी। यह रंग में भूरी पीली या लाल हो सकती है। इसका रंग आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी तथा काली मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। मूंगफली ज्वार बाजरा आदि फसलें इनमें उगाई जाती हैं। लाल मिट्टी मुख्यतः दक्षिण भारत के राज्यों तमिलनाडु तथा कर्नाटक में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा झारखंड तथा दक्षिणी पश्चिमी राज्यों में जैसे असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर त्रिपुरा मिजोरम तथा मेघालय में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। चाय कॉफी नारियल तथा रबड़ आदि फसलों के उगाने के लिए यह मिट्टी उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी के द्वारा ईंट भी बनाई जाती है। लेटराइट मिट्टी के द्वारा ईंट भी बनाई जाती है। भारत में दक्षिणी पठार उड़ीसा तथा तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र छोटा नागपुर कुछ क्षेत्र तथा उत्तर मेघालय आदि क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश सिक्किम हिमाचल प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर आदि पहाड़ी ढलानों पर पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में ह्यूमस से अधिकता होती है। ह्यूमस की प्राकृतिक उर्वरक जो मिट्टी में सूखी पत्तियों और पौधों के सड़ने गलने से बनती है। यह पौधों में अच्छे प्रकार उगाने में सहायक होता है। गेहूं मक्का बाजरा मसाले चाय कॉफी तथा फसलें फल सेब आदि की फसलें उगाई जाती हैं। मरुस्थलीय मिट्टी या रेतीली मिट्टी गुजरात तथा राजस्थान जैसे न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। सिंचाई
दालें, बाजरा इत्यादि फसलें रेतीली मिट्टी में उगाई जाती है। अब देखते हैं मृदा कटाव। मिट्टी के सबसे ऊपरी परत, मिट्टी का ऊपरी उर्वरक भाग हल्की तथा मुलायम होती है। यह प्राकृतिक कारकों जैसे वायु तथा जल आसानी से कट जाती है। मिट्टी के ऊपरी उपजाऊ परत इस प्रकार कटकर बह जाना मृदा कटाव कहलाता है। यह क्रिया मिट्टी में को खेती के लिए अनुपयुक्त बनाती है। जंगलों में जंगलों की कटाई मृदा कटाव का एक मुख्य कारण है। पौधों की जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह के मजबूती तथा जगड़ मजबूती से जकड़े रहती है, जिससे मृदा के कटाव को रोकने में सहायता मिलती है। मृदा संरक्षण, मिट्टी को काटने से बचाना तथा इसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण की निम्नलिखित विधियां, पेड़ को कटने से बचाना मृदा संरक्षण की प्राथमिक विधि है। वन रोपण अर्थात अधिक से अधिक पेड़ों तथा घास आदि को लगाना मृदा कटाव को रोकने की एक अन्य विधि है। आजकल कुछ जागरूक किसान मृदा कटाव रोकने के लिए वायुरोधी पेड़ भी लगाते हैं। वायुरोधी पेड़ को एक कतार में लगाया जाता है, यह वृक्ष की ओर आने वाली वायु को रोकती है। कुछ किसान खेती के नए तकनीक जैसे सीढ़ीनुमा सतह पर खेती करना, कट्टूर खेती, स्ट्रिप क्रॉपिंग आदि के को अपनाकर मृदा संरक्षित करते हैं। जल रोकने के लिए बांधों का निर्माण करके भी मृदा कटाव को रोका जा सकता है। प्यारे बच्चे, आज हम लोगों ने पढ़ा भारतीय मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मृदा कटाव क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है।